चैनल राइट टू एजुकेशन, मैं हूं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम आज बात करने वाले हैं वित्तविहीन शिक्षक को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि विधानसभा इलेक्शन 2022 का आप समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि वित्तविहीन शिक्षकों को जो है 5,000 रुपये जो है वो मानदेय दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर बताना चाहूंगा कि ये जो है ये मतलब आप राजनीतिक ना समझे, ना ही किसी का प्रमोशन जो है वो आप समझे। तो यहां पर बताना चाहूंगा कि जो कोई भी प्राइवेट टीचर है, मतलब आप प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो आपके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बल्कि आप स्पीड बढ़ाकर जो है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएं कि जैसे मैनिफेस्टो में कहा गया है, तो क्या गवर्नमेंट मैनिफेस्टो में बोली है, तो क्या उनको करना ही करना है? तो देखिए, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। मैनिफेस्टो का मतलब ये नहीं होता है कि जो मैनिफेस्टो में वो लिख दिया या फिर जो बातें किए हैं उनको करना ही करना है। वो चाहे तो कर भी सकते हैं, यदि न चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। कोई कानूनी कार्रवाई या फिर कोई मतलब कानूनी तौर पर जो है उनको मतलब उस तरीके से नहीं होता है। तो ये जो है गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि वो गवर्नमेंट जो मैनिफेस्टो में दी है उसको पालन करेगी या फिर नहीं पालन करेगी। तो यहाँ पर हम वित्तविहीन शिक्षक को लेकर बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब इससे पहले मतलब इस टाइम पे जो यूपी में गवर्नमेंट है, इससे पहले आपको पता है कि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। तो वो जो है वित्तविहीन शिक्षकों को जो है 1 साल तक जो है टीचर को 1,000 रुपये प्रति महीने और प्रिंसिपल को जो है 1,200 रुपये प्रति महीने वो मानदेय के रूप में जो है वो दिए थे, और टोटल 1 साल तक जो है वो दिए थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि 2017 में आपको पता है कि विधानसभा इलेक्शन उत्तर प्रदेश का होता है, और उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा जाता है कि हम वित्तविहीन शिक्षकों को 25,000 रुपये मानदेय देंगे, मतलब 25,000 रुपये महीना मानदेय देंगे, और उनको हम रेगुलर मतलब जिस तरीके से गवर्नमेंट टीचर होते हैं उस तरीके से हम कर देंगे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट बनने के बाद जो है आज तक जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है वित्तविहीन शिक्षकों को 1 भी रुपये जो है वो मानदेय नहीं दिया गया। तो इसलिए समाजवादी पार्टी जो है पहले मानदेय दे चुकी है, तो इसलिए ज्यादातर चांस यही है कि यदि समाजवादी पार्टी की फिर से गवर्नमेंट बनती है तो समाजवादी पार्टी द्वारा जो है वित्तविहीन शिक्षकों को कुछ ना कुछ मानदेय दिया जाए। और यहां पर 5,000 रुपये प्रति महीने का जिक्र किया गया है, तो ये मानदेय जो है वो मिलना तरीके से आप समझ सकते हैं कि मतलब निश्चित है। और यहाँ पर हम बता दें कि ये आपको पता चलेगा मतलब फाइनल इलेक्शन का जब रिजल्ट आ जाएगा 10 मार्च को, तभी पता चलेगा कि गवर्नमेंट किसकी बनती है या फिर नहीं बनती है। यदि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो बिल्कुल वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा। यदि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय हमें नहीं लगता है कि दिया जाएगा, बाकी बात का तो बाद में ही है, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में भी जो है वो वित्तविहीन शिक्षकों के बारे में जो है कोई जिक्र जो है वो नहीं किया गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वित्तविहीन शिक्षक के बारे में जो आपके यहाँ पर हम मानदेय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ जो है टॉपिक है कि जैसे वित्तविहीन विद्यालय मतलब कौन से ऐसे प्राइवेट शिक्षक हैं जो उस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो वित्तविहीन शिक्षक के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे कौन से विद्यालय होते हैं, बाकी उनकी एलिजिबिलिटी मतलब उनकी योग्यता क्या होती है वित्तविहीन शिक्षक की, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया मतलब उनकी जो चयन की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस जो होता है वो किस तरीके से होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी एक्सपीरियंस के बारे में क्या वित्तविहीन शिक्षकों का अनुभव के आधार पर होता है या फिर किस तरीके से होता है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या वित्तविहीन टीचर जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं या फिर इसी तरीके से पार्ट टाइम की तरह रखे जाते हैं, फिर उनको जो है वो हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे विद्यालय के बारे में कि कौन से ऐसे विद्यालय होते हैं जिनमें टीचर काम करते हैं तो वो वित्तविहीन शिक्षक के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम कन्फर्म करना चाहते हैं कि ये विद्यालय आपके बेसिक के विद्यालय नहीं आते हैं, बल्कि माध्यमिक के विद्यालय जो है वो आते हैं। तो यहाँ से आप कन्फर्म हो जाएगा कि जो भी बेसिक के विद्यालय हैं वो वित्तविहीन मतलब उसमें काम करने वाले शिक्षक जो है वित्तविहीन शिक्षक के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि जो विद्यालय माध्यमिक के विद्यालय होते हैं मतलब आपको पता है कि 9 से ऊपर के जो विद्यालय होते हैं वो विद्यालय आपके माध्यमिक में आते हैं, और उस विद्यालय में जो टीचर काम करते हैं वो आपके वित्तविहीन शिक्षक के रूप में आते हैं। और वो भी शिक्षक वित्तविहीन के तौर पर कब आएंगे, जब उनकी विद्यालय की मान्यता जो है वो 10 साल पुरानी हो गई हो। मतलब जैसे आपको पता है कि कोई भी विद्यालय आप जिस विद्यालय में काम करें तो आपको पता होगा कि आपके विद्यालय की मान्यता जो है वो कितनी साल है, मतलब आपके विद्यालय की मान्यता जो है वो 10 साल पुरानी हो गई होगी, तो आप इस मानदेय लेने के लिए जो है आप एलिजिबल होंगे, मतलब आप जो हैं वो योग्य हों। मतलब यहाँ पर आप एक तरीके से कंफर्म हो गया कि आपका विद्यालय माध्यमिक का होना चाहिए और आपकी मान्यता जो है वो 10 साल पुरानी होना चाहिए। फिर यहाँ पर हम बात करें एलिजिबिलिटी को लेकर, देखिए योग्यता जो होता है आपको पता है बता दिया कि आपका जो विद्यालय होगा वो बेसिक का नहीं होगा बल्कि माध्यमिक का होगा, तो आपको पता है कि माध्यमिक
कि जो मतलब माध्यमिक में जो गवर्नमेंट टीचर बनते हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी होती है, यहाँ पर उनकी इनकी भी जो है वही एलिजिबिलिटी होती है। अब माध्यमिक में दो तरीके से आ जाएंगे, अब एक आपका 9-10 आ जाएगा, मतलब जो क्लास 9th और 10th होता है, बाकी आपका 11th और 12th आ जाता है। फिर इसमें जो है दो मतलब एलिजिबिलिटी जो है वो आपके डिवाइड हो जाते हैं। तब आप समझ लीजिए कि जैसे आप गवर्नमेंट, जैसे जो सरकारी गवर्नमेंट माध्यमिक के विद्यालय होते हैं उसमें जब आप फॉर्म भरते हैं या फिर उसके लिए जब आप एलिजिबल होते हैं तो वहीं आपकी योग्यता और शर्तें जो है यहाँ पर भी जो है फॉलो किया जाता है। मतलब जो आपके गवर्नमेंट टीचर, मतलब जब आप माध्यमिक में गवर्नमेंट टीचर बनते हैं तो जो वहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी होती है यहाँ पर भी जो है वहीं आपकी एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर भी होती है। तो जो डिग्री आपका माध्यमिक में गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, आप जिस डिग्री को लेकर आप एलिजिबल होते हैं तो वही डिग्री जो है यहाँ पर भी जो है आपका एलिजिबल होता है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 9th और 10th में आप गवर्नमेंट टीचर बनने जा रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी, आपका एजुकेशन जो है वो क्या होना चाहिए, और 11th और 12th में आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी और आपकी योग्यता जो है वो क्या होती है। तो जो योग्यता गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए होती है वही वो योग्यता जो है आपको वित्तविहीन शिक्षक जो है ये भी बनने के लिए होता है। फिर यहाँ पर हम बात करें नियुक्ति के लिए कि आपका जो नियुक्ति होता है, मतलब चयन प्रक्रिया जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए क्या होता है कि इसका नियुक्ति प्रक्रिया जो है गवर्नमेंट स्कूल में जब आप मतलब जो काम करते हैं तो उसकी नियुक्ति प्रक्रिया से इसकी नियुक्ति प्रक्रिया अलग होती है। इसमें आपका कोई विज्ञापन या फिर इंटरव्यू या फिर परीक्षा या फिर एक्सपीरियंस इस तरीके का कोई मैटर जो है वो नहीं करता है। ये आपका नियुक्ति प्रक्रिया टोटल जो है मैनेजमेंट, मतलब जो विद्यालय का प्रबंधक होता है उसके हाथ में होता है, मैनेजर के हाथ में जो है होता है। यदि विद्यालय का मैनेजर चाह रहा है कि आपको हम वित्तविहीन शिक्षक के तौर पे जो है मानदेय जो कोई भी मिलने वाला है भविष्य में वो हम मानदेय दिलवा दें तो प्रबंधक आपको दिलवा सकता है। यदि वो चाह रहा है कि हम नहीं दिलवाएं तो वो नहीं भी दिलवा सकता है। यहाँ पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया जो है टोटल, मतलब नियुक्ति प्रक्रिया की जो मतलब जो भी प्रोसेस होता है वो जो प्रोसेस होता है वो आपके प्रबंधक मतलब मैनेजर के जो है वो हाथ में होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया है वो आपकी, मतलब एक तरीके से जो आप समझ सकते हैं कि जो आपकी चयन की प्रक्रिया है उसमें जो, यदि हम डिग्री की बात करें, एजुकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये आपको जो गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट विद्यालय के लिए एलिजिबल होते हैं तो वहीं आपकी डिग्री और एलिजिबिलिटी होती है। बाकी यहाँ पर जो चयन का प्रक्रिया होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरह जो है वो चयन का प्रक्रिया नहीं होता है, बल्कि पूरा जो चयन का प्रक्रिया होता है वो प्रबंधक के हाथ में होता है। तो इस तरीके से आपका चयन जो है वो होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका वित्तविहीन शिक्षक के तौर पर गवर्नमेंट बनने के बाद जो है भविष्य में मानदेय मतलब मिलेगा, तो मानदेय मिलने से पहले क्या होता है कि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट किया जाता है, और ये जो फॉर्म जो आप भरेंगे या फिर सबमिट करेंगे ये कैंडिडेट के द्वारा जो है वो नहीं भरा जाता है, बल्कि प्रबंधक के द्वारा जो है ये फॉर्म भरा जाता है। और आपको पता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से जो है वो पूरा प्रक्रिया हो जाता है, सत्यापन वगैरह जो कुछ भी होता है वो जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय तक जो है वो हो जाता है अभी तक। अब मान लीजिए भविष्य में कुछ बदलाव हो तो उसके बारे में कोई भी जो है वो नहीं बता सकता है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन वर्तमान तक जो है इसी तरीके से होता है। तो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका जिला विद्यालय निरीक्षक तक जो है वो चला गया, मतलब मान लीजिए वेरीफाई हो गया, और नॉर्मल सी बात है यदि प्रबंधक आपका फॉर्म भर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका फॉर्म जो है वो सही होगा, आपकी एलिजिबिलिटी एजुकेशन जो कोई भी हो वो सही होगा, तभी जो है प्रबंधक भरेगा, क्योंकि अपने विद्यालय पे जो है मतलब वो डाक जो है वो नहीं लगाना चाहेगा। तो इसलिए जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है टोटल मतलब प्रबंधक के हाथ में होती है, या फिर आप दूसरा हाथ माने तो DIS को मान सकते हैं, मतलब जिला विद्यालय निरीक्षक को। तो दोनों लोगों के जो है वो सहयोग से, या फिर मतलब मेन जो पूरा सहयोग होता है वो आपके विद्यालय के प्रबंधक का होता है। तो नियुक्ति जो है वो इस तरीके से होता है। फिर इसके बाद हम करें अनुभव के लिए, तो एक्सपीरियंस के लिए, तो देखिए एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ भी मैटर नहीं करता है, भले ही आप 10 साल से पढ़ा रहे हो या फिर 15 साल से पढ़ा रहे हो, 20 साल से पढ़ा रहे हो या फिर 2 दिन से पढ़ा रहे हो, कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस का जो है वो मैटर नहीं करता है। अब बाकी इसके पहले तक जो है हम बात करें कि एक्सपीरियंस का कोई मैटर जो है वो नहीं करता है। अब बाकी भविष्य में कुछ बदलाव होते हैं तो उसके लिए हम नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक मान लीजिए जैसे आपका मानदेय मिल रहा है और फॉर्म भरा जा रहा है, उसके कुछ दिन पहले ही यदि आपका प्रबंधक चयन करके, मतलब जो विद्यालय प्रबंधक है वो आपका चयन करके अपने विद्यालय में आपको टीचर के रूप में जो है वो सिलेक्ट करके, और आपका जो वेरिफिकेशन या फिर जो भी प्रमाणित है वो स्वयं से करके, यदि वो आपका फॉर्म भर दे रहे हैं तो आप भी मानदेय के लिए जो है वो एलिजिबल है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस का जो है कोई मैटर जो है वो नहीं करता है, भले ही आप कितने साल से जो है वो पढ़ा रहे हैं। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो वित्तविहीन टीचर होते हैं क्या वो रेगुलर होते हैं या फिर परमानेंट, मतलब इसी तरीके से पार्ट टाइम की तरह होते हैं कि कुछ दिन काम किए फिर उसके बाद जो है उनको निकाल दिया गया। तो देखिए क्या होता है कि ये आपका चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगा वो उस टाइम पे जो है वो आपका डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो आपका वित्तविहीन का मानदेय है 2016 में जो है 1 साल तक जो है वो दिया गया, फिर उसके बाद जो है आज तक मतलब बंद कर दिया गया। तो नॉर्मल सी बात है रेगुलर नहीं होंगे, यदि रेगुलर रहते तो अब तक
अब तक जो आपका मानदेय है वो आपका मिलता रहता, तो उस ये आपका जो है वो डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके से जो है वो चयन की प्रक्रिया जो है होगा। मान लीजिए जैसे आपका वित्तविहीन मानदेय मिलने से पहले आपका फॉर्म भरा जा रहा है, अब उस टाइम पे जो है जो वित्तविहीन शिक्षक संघ होते हैं उनकी कुछ सूत्रीय मांगे होती हैं, उस मांग को पूरा करते यदि उस जो मांग है मतलब जो वित्तविहीन शिक्षक कमेटी का जो संघ का मांग है यदि उस मांग को पूरा करते हुए आपकी चयन प्रक्रिया हो रही है तो नॉर्मल सी बात है कि उस सूत्रीय मांग में ये भी होगा कि हम रेगुलर हो जाएं। तो नॉर्मल सी बात है यदि उस तरीके से आपका चयन होता है तो आप रेगुलर हो जाएंगे, भले ही गवर्नमेंट बाद में 5 साल के बाद यदि चेंज होती है तो भी आपका मानदेय जो है वो नहीं रुकेगा, या फिर जो वर्तमान में गवर्नमेंट है आपको दे रही है फिर बाद में बीच में मूड चेंज हुआ कि आपका मानदेय रुक दे तो भी जो है गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है यदि आप चयन प्रक्रिया के समय जो है वो आपको रेगुलर के तौर पे जो है वो या फिर जो इनकी संवैधानिक मांग है या फिर जो भी इनकी सूत्री मांग है संगठन द्वारा यदि उस तरीके से संगठन के हिसाब से यदि आपका इनका जो है वो चयन प्रक्रिया होता है तो नॉर्मल सी बात है आप रेगुलर ही होंगे। बाकी वेतन के लिए अभी तक जो बताया गया है कि आपका 5,000 रुपये जो है वो मानदेय महीना जो है वो दिया जाएगा, बाकी ये आपका पता चलेगा इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आने के बाद। तो यहाँ पर मेरे बताने का मतलब ये था कि जैसे क्या है कि बहुत सारे लोग प्राइवेट विद्यालय में काम करते हैं पढ़ाते हैं लेकिन वो सिर्फ पढ़ाते हैं फिर आते हैं जाते हैं, और चीज़ से जो है वो कोई मतलब जो है वो नहीं रखता है, और चीज़ से जो आपका मतलब है वो नहीं रहता है। तो इसलिए उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है कि आप इस तरीके से विद्यालय में काम कर रहे हैं तो आप यदि इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप भी इसका जो है आप लाभ जो है वो उठा सकते हैं। बाकी जो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा ये तो आपका मतलब जो विधानसभा इलेक्शन है इसके इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद ही जो है वो पता चलेगा। मान लीजिए यदि फिर से वर्तमान जो गवर्नमेंट है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यदि यही गवर्नमेंट फिर से आपका बन जाती है तो इसके लिए वित्तविहीन शिक्षक के लिए कोई भी जो है मुझे नहीं लगता कि रास्ता जो है वो खुलेगा। बाकी यदि गवर्नमेंट चेंज होती है यदि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो फिर उसके बाद जो है वित्तविहीन शिक्षक के लिए क्या मतलब नया कानून या फिर नया रूल या फिर किस तरीके से चयन प्रक्रिया होगा उसके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।